steady, I dash. Always look forward, no, never look back. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put the pen to bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, though it hurts real bad. But you have to attack. What you regret what you have. Everybody knows it's a fact. Yeah, I just want my words to impact. Yeah, I just want my words so I last. Yeah, not sorry if I put you on blast. What I'm like on the inside. If you knew it, watch your backside. If you knew it. हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये जो वीडियो था, इसमें जो मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, और ये जो एक स्ट्रीमिंग वीडियो है, मैंने यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा था फेसबुक पे, और ऐसे ही जो फन के लिए कर रहा था, और यहाँ पे मैं जो खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो यहाँ पे मैं जो उतरा था जॉर्जो पूल में, और मिनीजोन खेल रहा था बाय द वे, ये कोई क्लासिक मैच नहीं है, मिनीजोन खेल रहा था। लेकिन फिर भी लॉबी जो है ठीक ठाक था, ज़्यादा वो नहीं था, ज़्यादा हाई लॉबी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक लॉबी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कि यहाँ उतरा था कि उसमें जॉर्जो पूल में, और यहाँ पे जॉर्जो पूल में ज़्यादा बंदे नहीं आए थे, एक ही स्क्वाड आया था जो कि जोकर का स्क्वाड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट आरपी भी था उनका, तो वही जो आए थे यहाँ पे जॉर्जो पूल में, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो आप देखिए आगे गेम प्ले को। तो मैं हमेशा की तरह मेरा जो फेवरेट कंटेंट है उसमें मैं उतरा यहाँ पे, और उतर के मैं यहाँ पे जो गन ढूंढने लगा, और यहाँ पे मुझे मिला कि M16A4, और यहाँ पे एक लेवल 3 का हेलमेट मिल गया, बैकपैक वगैरह भी मिल गया। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लूट किया, और आसपास देख रहा था कि बंदा है क्या आगे वाले कंटेनर पर, तो मुझे सामने वाले कंटेनर पर बंदा दिख गया था, लेकिन मैं उस टाइम पर फाइट नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत लूट के एक ऑटो गन मिल जाए अच्छा सा, मतलब एआर मिल जाए, तो उसके बाद ही मैं फाइट लूँगा। तो मुझे यहाँ पे डीपी मिला, मैं यहाँ पे डीपी को पहले वो किया, पिकअप किया, और इसके बाद थोड़ा और लूटने के लिए गया कि थोड़ा बहुत लूट तो होता है। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जोकर का एक बंदा था, देखिए आप जोकर भिकी करके, जो कि मेरे सामने आ गया, तो मैं इसको तुरंत नॉक किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे मोस्टली नॉक करके छोड़ ही दिया था, क्योंकि मुझे पता था उसका टीममेट तो आसपास नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मुझे दिख जाता, यहाँ पे एक ही बंदा था, तो यहाँ पे मैंने इसको नॉक करके छोड़ दिया था। और इसके बाद मैं देखूंगा कि इसका टीममेट जो इसको रिवाइव करने के लिए भागता हुआ आएगा। देखिए आप आगे, तो ये इसका टीममेट आ रहा है भागते हुए, और इसको मैंने दो हिट दिया बॉडी, और इसके बाद ये नॉक हो गया, तो इसका टीममेट था, और ये फिनिश नहीं हुआ, लेकिन अब फिनिश हो गया। तो इसका टीम का दो बंदा लेफ्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि दो को मार दिया यहाँ पे, तो दो ही बचा होगा, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे एक स्क्वाड, एक से ज़्यादा स्क्वाड होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ रहे थे, ये देख सकते हैं आप पीछे फाइट चल रहा है, तो एक से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो मैंने इसका एक और टीममेट को डाउन करके पूरा उसको रिवाइव दे रहा था, उसको पूरा मैं नॉक फिनिश कर दिया, और यहाँ पे पीछे से एक बॉट का मुझे शॉट्स आ रहा था, मैं उसको ढूंढने लगा कि कहाँ पे है वो बॉट, तो वो बॉट मुझे मिल गया, यहाँ पे छुपा हुआ था, मार रहा था मुझको, और ये ख़त्म। अरे ख़त्म नहीं हुआ, आओ अब होगा, चलो तो मैं इसको मार दिया था, और इसके नीचे एक और बॉट था आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना डीपी जो है यहाँ पे रिलोड कर रहा था, और यहाँ पे मुझे शॉट आया देख सकते हैं यहाँ पे यूएमपी का, और ये जो उसका ही टीममेट था जो जोकर का क्लैन था उसका, तो मैं यहाँ पे बॉट को पहले नॉक किया सामने वाले को, उसके बाद सामने एक और बॉट था उसको भी मैंने नॉक किया, लेकिन वो भी यहाँ पे नॉक हो गया, तो वो वहाँ से मुझे लग रहा कि किल चुरी कर रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा, तो मैंने इसको तुरंत से फिनिश किया, और फिर मैं कवर में आ गया। मुझे वो बंदा अभी तक स्पॉट नहीं हुआ था, तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो क्रेन के ऊपर है, लेकिन वो ऊपर नहीं था, वो यहाँ पे आसपास कहीं पे था, लेकिन मुझे स्पॉट नहीं हुआ था, तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ से मैं उसको नहीं देख सकता हूँ, तो तब मैंने अपना दिमाग लगाया थोड़ा, और सोचा कि चलो रिच के नीचे से जाते हैं, इसको पूरा रोटेट करते हैं, एक 90 डिग्री का रोटेशन मारते हैं, उसके बाद शायद ये दिख जाए। तो जी हाँ, मुझे यहाँ पे आके बंदा दिख गया था आगे, तो मैंने यहाँ से उसको उस पर शॉट्स नहीं लिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लियर एंगल नहीं था उसके ऊपर, तो मैंने यहाँ से उसको शॉट नहीं दिया, क्योंकि अगर दे देता तो वो मुझको स्पॉट कर लेता,
और वो फिर से अपना पोजीशन वगैरह चेंज कर सकता था, तो मैंने यहाँ से स्पॉट नहीं होने मतलब मैं यहाँ पे स्पॉट नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पॉट नहीं लिया उसके ऊपर। मैं यहाँ पे एक नेट किया था उसके ऊपर, लेकिन नेट कहीं और ही चला गया था, उसके ऊपर तो नहीं फटा, क्योंकि अगर फटता तो वो किल हो जाता, वो फटा नहीं। वो देखिए आप हवा में जो नेट है यहाँ पे फट गया, तो मैंने उसको देख लिया था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो कॉर्ड में जाता बार बार, मैं उसको फिनिश नहीं कर सकता था यहाँ से। तो मैंने सोचा कि चलो एकदम राइट से पूरा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैंक करते हैं और रोटेट करके मैं उसको मार दूंगा जब मेरे पे एंगल होगा उसका। तो मैंने वही ट्रिक जो यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ मैं यहाँ पे पूरा रीच के नीचे से जा रहा था ताकि उसको मैं ना दिखूँ। तो आप देखिए, तो भाई ये जो होता है ना, ये गेम का स्ट्रेटजी होता है, जो कि अगर आप स्लो रोवर्स स्क्वाड खेल रहे हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी वगैरह आना चाहिए, तभी आप जो है अच्छा गेम खेल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सोलो वर्सेस गेम प्ले डालने की, और मुझे खेलने का भी बहुत अच्छा लगता है सोलो वर्सेस, मेरा पर्सनल फेवरेट भी है सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो मैं वही कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसको नॉक फिनिश पूरा कर दिया था, नॉक फिनिश नहीं हुआ था, वो पूरा फिनिश ही हो गया था क्योंकि आखिरी बंदा था स्क्वाड का। तो यहाँ पे एक और बंदा सामने आ रहा था, ये बॉट नहीं था बाय द वे, ये एक बंदा ही था, मैं उसको शॉट दिया था दो, एक हेड पड़ा था उसको दीपिका, लेकिन वो नॉक क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको लूटने जा रहा था, और मेरा यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन बटन जो यहाँ पे चेंज किया है, तो बार बार वही हो जा रहा है क्राउच के बदले में, और ये मेरे से मिसफायर हो गया थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिसफायर हो गया था। तो मैं इसको ढूंढ रहा था कि कहाँ है, फिर मैं कंटेनर के ऊपर चढ़ा और देख रहा था कि कहाँ, मुझे पता था कि वो नीचे जो वहाँ पे छोटा टावर है उसके नीचे ही होगा। तो मैं यहाँ पे जंप किया और देखा, हाँ जी हाँ, अंदर घुस के बैठा हुआ है। तो मैं इसके साथ थोड़ा बहुत लुकन छुपाई खेला और ये ख़त्म। और पीछे से भाई ये बॉट इतना दिक्कत देता है ना, जब फाइट होता है तभी इन लोगों को आना होता है। और इसके पास क्या लूट था भाई, गजब, पूरा दिल खुश हो गया मेरा। यहाँ पे पूरा जॉर्जोपुल का लूट इन्हें मतलब लेके रखा था, और मुझे यहाँ पे M16 की जगह स्कारल भी मिल गया, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि M16 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक और स्पूस्ट आया था, ये भी जो एक बॉट था भाई, कितना बॉट होता है भाई, मुझे बॉट ना, बॉट से जस्ट हेट है भाई। नूब बंदा आ जाए फिर भी ठीक है, लेकिन बॉट भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बॉट है भाई, और मिनी जोन में भी इतना बॉट, क्या बोलो आप। तो मेरा यहाँ पे 10 किल हो गया था, लेकिन उससे तो ज़्यादा से ज़्यादातर बॉट का ही किल था, 4 से 5 शायद मैंने यहाँ से बॉट मारा है यहाँ पे, मुझे ध्यान में नहीं है, तो जो भी हो। तो यहाँ पे और कोई फाइट नहीं है, आप आगे देखिए कि यहाँ पे तो फिलहाल कोई फाइट नहीं है, तो मैं थोड़ा वीडियो कट करके मैं आगे ले जाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स आ रहा था जॉर्जो पुल के उस साइड से, क्या बोलते हैं, सिटी से, तो मुझे पता था कि सिटी में बंदा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी लूट रहा था भाई। इस मैच में मैंने इतना लूटा है ना, इतना लूटा है भाई, लूटता ही रहता था मैं इस मैच में, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा लूटा है भाई। जॉर्जो पुल पूरा मैंने अकेला ही लूटा है, इतना मैं बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लूटा है मैंने इस मैच में। और वही मेरी गलती थी यहाँ पे कि मैंने इतना ज़्यादा लूटा तो मुझे ज़्यादा बंदा नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे एके मिला और मुझको लालच आ गया है कि क्योंकि हाँ, तो इससे मैं बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट गन का जो कॉम्बो है क्या है, हालांकि कोई पूछा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ एसॉल्टिंग, क्योंकि मैं एसॉल्टर हूँ, अभी तक तो हूँ, लेकिन अभी मैं स्नाइपर में स्विच कर रहा हूँ। स्नाइपिंग आती है, ऐसा नहीं कि स्नाइपिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, आती है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ स्नाइपर में जितना एसॉल्टिंग में हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा फेवरेट गन का जो कॉम्बो है वो है M416 लॉन्ग स्प्रे के लिए 6x विथ 6x और 4x भी कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, और शॉर्ट रेंज में मैं एक यूज़ करता हूँ, पैडल मुझे नहीं पसंद है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ शॉर्ट रेंज के लिए। और अगर ड्रॉप की गन की बात करें तो ड्रॉप की गन में से मैं गोर्जा यूज़ करता हूँ, और कभी कभी MK14 भी यूज़ करता हूँ जब जैसा मन हो, मेरा कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्स नहीं है, तो जब जो मन हो वो मैं स्विच कर लेता हूँ। लेकिन मेरा फिक्स गन, नॉर्मल गन वेपन जो है वो है मेरा है M416 लॉन्ग स्प्रे के लिए, और क्लोज स्प्रे के लिए वो है AKM, ठीक है। और ड्रॉप में जो लॉन्ग स्प्रे के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो लेज़र गन, सबको पता है AUG-A3, जिसमें रिकॉइल नहीं होता है, मतलब रिकॉइल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो भी विथ 3x है, 3x या फिर 6x कुछ भी मिले, 4x भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। तो ये तो हो गया मेरा गन, और स्नाइपिंग के लिए मैं कुछ भी चला लेता हूँ, Kar-98, M24 और ओम मिल जाए तो बहुत बढ़िया।
तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट रहा था, जैसा कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा लूटा हूँ मैं इस मैच में। और यहाँ पे देख सकते 23 बंदे अलाइव है, लेकिन फिर भी मैं लूटा लूटे ही जा रहा था। मुझे क्या मतलब मेरा दिमाग में आया था मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ लूट ही रहा था यहाँ से। तो मैं इसके बाद यहाँ पे मैं आ गया था वर्ड हाउस में, और मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है सोलो बंदा, जो कि यहाँ पे AFK था या फिर DC था मुझे पता नहीं कुछ भी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा बहुत हिट दिया। तो यहाँ पे नॉक नहीं हो रहा था, तो मैं उसको कॉर्ड में जाके मैंने मारा, और पता नहीं ये AFK था या फिर DC था या फिर क्या था, ये हिल तो रहा था। अब पता नहीं ये कौन सा बंदा था, क्या कर रहा था यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था इसको, हालांकि हॉलो में मेरा बहुत ही टट्टी में वो कर रहा था, स्प्रे भी कर रहा था और वो टैप फायर भी मेरा टट्टी था। तो मैंने इसको नॉक फिनिश पूरा कर दिया था, और मुझे पता था और भी बंदा है यहाँ पे। तो मैंने चेक कर रहा था यहाँ पे आसपास 3PP लेके कि कोई बंदा आ रहा होगा, क्योंकि सर्कल भी आ रहा था तो आना ही था बंदे को, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो मैं यहाँ पे ओपन में पुश कर दिया उसके ऊपर, मतलब पुश करने नहीं गया था मैं, उसको लूटने गया था। तो मैं उसको लूट के यहाँ से निकल जाऊँगा फिर, तो मैं इसको लूट के फिर मैं निकल गया वहाँ से। और निकलने के बाद मैं यहाँ पे रुइंस का पहाड़ होता है, यहाँ पे जॉर्जू का पहाड़ या फिर कुछ भी आप बोल सकते, मैं तो इसको मोस्टली रुइंस का पहाड़ ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, या फिर हॉस्पिटल का पहाड़ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये वाला पहाड़ पे मैं गया था देखने की बंदा है क्या, फिर देखा कि यहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट था, वेस्ट नहीं था, मैं लेवल 2 का था, हालांकि डैमेज नहीं था, फुल वो था, फेस वेस्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना बाग्गी रुकाया, लेकिन बहुत गंदी तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, क्या पता कोई कैंप वैम तो नहीं कर रहा हो यहाँ पे पहाड़ पे, हो भी सकता है बंदा भाई हाई गाउंस लेके बैठा हुआ है, कोई सामने आएगा तो डाल देगा पूरा स्क्वाड बैठा हो, लेकिन कोई नहीं था यहाँ पे। तो मैं चला गया ड्रॉप के सामने, और देखिए आप ड्रॉप में क्या होता है। तो ड्रॉप यहाँ पे गिर गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ गिरा है, लेकिन दिख गया था, लेकिन यहाँ से नहीं एंगल मिल रहा था दिखने का। तो मैं आगे गया और मुझे दिख गया ड्रॉप, और देखा ये देखो ये बंदा ड्रॉप के पास आके ड्रॉप लूट के निकल गया, और मेरे स्पेस से भी बच गया, लेकिन आखिरी में नहीं बचा। मैंने सोचा था वेस्ट उठाऊंगा, इसने तो भाई छोड़ छोड़ो अब क्या बोलना, मेरा वेस्ट सब कुछ उठा लिया और मर भी गया। और मुझे पता नहीं चलता कि जब मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ तो कोई भी स्क्वाड नहीं जिंदा होता है, सब सोलो बंदा होता है, यहाँ पे भी सोलो था। हालांकि पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत स्क्वाड था, लेकिन इसमें तो ज़्यादा था सोलो ही है, मिला है आखिर में सोलो ज़्यादा। तो इसके बाद मैं ड्रॉप लूटने आ गया था, मतलब ड्रॉप को नहीं इसको लूटने आ गया था। तो इसको लूट के देखा कि मुझे इस पर एक एड्रेनलिन मिला और कुछ नहीं मिला, स्मोक मिला। और फिर मैं गया ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे जाके देखा कि इसने तो भाई कुछ भी नहीं लूटा है। क्या बोल रहे हो, इसने तो कुछ भी नहीं लूटा है वो भाई, ड्रॉप पे क्या बंदा कुछ भी नहीं लूटा भाई, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया भाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। और ऑक भी पड़ा हुआ था ड्रॉप पे, तो मैंने ऑक उठा लिया, और यहाँ पे एक बॉट और एक खत्म। और यहाँ पे आगे से जो है गोलियों की आवाज़ आ रहा था, मतलब बंदे फाइट ले रहा था वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे जाना था, लेकिन मैं यहाँ पे बूस्ट अप हो रहा था थोड़ा बहुत, और फिर मैं इस बॉट को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। हालांकि ये बॉट नहीं था भाई, दवा मुझे लगा था ये बॉट है, ये बॉट नहीं था, ये बंदा देखा तुमने, अगर बॉट होता तो मेरे पास आके वो मतलब वो नहीं करता, मतलब पड़ा हुआ नहीं होता। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दो बंदा था, और मेरा ऑक का भाई ये जो स्प्रे था ना, सबसे 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 टट्टी स्प्रे था ये, और इसके बाद वाला भी है। टेंशन मत लो, एक स्प्रे मैंने यहाँ पे नहीं किया है, 2 से 3 स्प्रे किया है, सब पूरा स्प्रे मेरा टट्टी था। देखो एमिंग, देखो एमिंग, देखो मेरा बस, इससे अच्छा स्प्रे तो बॉट भी कर जाए, इतना मेन मतलब जितना मैं करा हूँ उससे अच्छा स्प्रे तो बॉट भी कर जाए। हालांकि ये मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी हो भाई मेरा स्प्रे बहुत टट्टी है, मुझे मतलब नहीं अपने स्प्रे से मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे अभी भी बहुत इम्प्रूव करना है। तो देखो ये यहाँ पे नॉक तो हो गया था, और मैं फिर यहाँ पे लेट के मैं रिलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे पे क्विक ड्रॉ नहीं था तो सेफ एक्सटेंडेड था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत AK का फ्री फायर दिया, द फ्री फायर नहीं, बंदों को मारने के लिए मैं मार रहा था वहाँ पे, मुझे लगा कि बंदे हैं वहाँ पे, तो मैं दे रहा था उस पर। फिर देखा कि नहीं वहाँ पे तो नहीं है, वो कहीं और पे ही है। तो यहाँ पे ये बंदा नॉक होकर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको फिनिश कर दूँ, क्या पता ये तुरंत से कवर में चला जाए और रिवाइव खा जाए। तो मैं इसको फिनिश कर दिया, इसका बंदा यहाँ से आ रहा था लेफ्ट साइड से, और मुझे पता था, और ये ख़त्म। तो यहाँ पे जो मेरा 15 किल हो गया था, हालांकि उसमें से 5 किल तो बॉट का ही है, 5 से 6 किल तो बॉट का ही है, मैंने 9 बंदों को से मारा है मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद मैं एक और में गया फिर से, और उसके बाद मैं हील विल कर रहा था, और फालतू के चीज़ जो है मैं यहाँ पे फेंक दिया, और फेंक के थोड़ा बहुत हील विल किया, स्मोक वगैरह उठाया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है,
तो इसके बाद मैं यहाँ से बागी लेके निकल गया था, और निकल के मैं ये वाला जो घर है ये मेरा फेवरेट घर है। जब से मैं वो डुओ टूर्नामेंट खेला हूँ ना, तब से मेरा ये जब वाला जो घर होता है जर्जो पुल में, ये मेरा पूरा फेवरेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आके गाड़ी रोका और मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बंदा है, मुझे पता था। तो देख सकते हैं आप, फुस्टेप भी आ रहा है, तो मैंने इसको मारा था। हालांकि कौन से घर में था पता नहीं, मैं भूल गया। अच्छा यहाँ पे नहीं था, हाँ यहाँ पे पीछे भी एक बंदा था, जो कि मैं गाड़ी से आने के टाइम पे ही देख लिया था कि यहाँ पे ब्रिज के आसपास एक बंदा है। तो मैंने उसको देखने की कोशिश की लेकिन नहीं देखा वो, तो मैं छोड़ दिया। और यहाँ पे देखो घर के अंदर भाई कौन लेटता है बे। हाँ मैं भी लेटता हूँ, लेकिन वो सिर्फ हील करने के लिए। भाई घर के अंदर कौन लेटता है ऐसे। और ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पे एक और बंदा देखो पूरा ओपन में खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है पता नहीं। और ये मेरा AKM का वो है, क्या बोलते हैं, होलोग्राफिक, मतलब होलोग्राफिक बोल रहा हूँ, क्या घटिया बोल रहा हूँ यार। और यहाँ पे देखो एक और बंदा जो कि पीछे जा, मैंने बोला था तुमको कि मुझे पता था कि यहाँ पे एक बंदा था, जो कि मैंने यहाँ पे मार दिया। और यहाँ पे आखिरी बंदा आएगा, आखिरी नहीं, ये भी नॉक था, कहाँ का बंदा था पता नहीं। तो इसको भी मैंने ऐसे नॉक फिनिश कर दिया। अब देखो एक एक का मेरा बस 16 बुलेट बाकी है, तो मैंने इसको ऑक से फिनिश किया। हाँ तो जो मैं बोल रहा था, वो मेरा एक एक का आयरन साइट सबसे ज़्यादा ओपी लगता है मुझे, कितनी भी दूर हो। मतलब मैंने आज तक स्प्रे किया है आयरन साइट में 75 मीटर्स, या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 80 मीटर्स हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना मुझे बहुत ओपी लगता है एक एक आयरन साइट। अगर कॉम्प हो तो भाई मज़ा आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको लूटा था और लूट के देखा कि तीन बंदा लेफ्ट था यहाँ पे, ठीक है। और मुझे दिख गया था इसके बाद तीन बंदा कहाँ है, वो जोन के एकदम उस साइड था। मैंने यहाँ से पहले देख रहा था कि कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा था, फिर देखा कि यहाँ पे है। मैं यहाँ से टीपी भी ले रहा था, मुझे दिख गया था बंदा, लेकिन जब भी मैं स्कोप ऑन करता हूँ पता नहीं क्यों मुझे बंदा नहीं दिखता, लेकिन इस बार दिख गया। तो मैंने इसको नॉक किया और नॉक करके कॉर्ड में आ गया, क्योंकि उसका बंदा मुझको हिट दे रहा था, अभी नहीं दे रहा था इसके बाद देगा, लेकिन मुझे पता था कि देगा, तो इसलिए मैं कॉर्ड में आ गया। तो ऑलमोस्ट मैं उसको ढूंढने लगा, वो अब देखो तो अब वो हिट दे रहा है मेरे को। मुझे फिर भी स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन फिर से मैंने देखा TPP लेके, तो मुझे स्पॉट हो गया, तो मैं उसको ख़त्म कर दिया। मुझे पता था वो जोन में तो लेट के नहीं आएगा, दौड़ के ही आएगा। तो देखो जोन में आके ही लेट गया भाई, जोन में आके ही लेट गया, और ये ख़त्म। तो 21 किल्स मेरा यहाँ पे हो गया था, और हालांकि ज़्यादा किल नहीं किया है मैंने इस मैच में, मेरा एक्सपेक्टेशन था सोलो वर्सेस स्क्वाड में 25 किल्स। अगर पिछले वाला मैच तुमने देखा होगा तो उसमें भाई मैं बहुत गंदा मारा था, अगर उस मैच में जिंदा होता वो चिकन डिनर होता ना, 25 किल्स हो गया था मेरा। तो यहाँ पे फिर भी ठीक है। तो मैं आखिरी का बंदा स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा जहाँ से निकला ना भाई, क्या बोलूँ भाई, मैंने कैंपर्स देखा है इस लेवल का कैंपर्स। अब देखो आखिरी का बंदा कहाँ मिलेगा और उसको मैं कैसे मारूंगा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे आसपास कहीं पे लेटा हुआ होगा, पत्थर के पीछे कोड़ में कहीं पे भी हो सकता है, ये पता नहीं था। और सर्कल तो मेरे ऊपर ही था, मैं सेंटर में था पूरा सर्कल में। मैंने यहाँ पे अपना ब्राइटनेस जो पूरा फुल किया, क्योंकि अगर मैं ब्राइटनेस फुल करता हूँ तो मुझे बंदा आसानी से स्पॉट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फुल किया अपना ब्राइटनेस और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, और अब देखो बंदा मिलेगा मुझे। और यहाँ पे मेरा लैग हुआ बंदा, हालांकि ये गेम लैग नहीं है। देखो बंदा कहाँ पे लेटा हुआ है, देखा, उसको लगता है कि कोई उसको नहीं देख पा रहा है, उसको ऐसा लगता है वो कोई उसको नहीं देख पा रहा है। तो मैं इसको नेट किया आराम से, और देखो वो नेट पड़ा उसके पीछे, वो ज़रा सा, मतलब ज़रा सा आगे आगे हिला, क्या बोलूँ भाई। नूप की भी एक, नूप नहीं छोड़ो, नूप नहीं बोलता मैं किसी को, लेकिन भाई साफ होने की भी एक लिमिट होता है भाई। तो ये जो मैच है ये जीजी हो गया, मेरा 23 के आसपास किल था और डैमेज था 3121। और तो उम्मीद है गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको ऐसे ही और भी गेम प्ले वगैरह के वीडियोज़ देखने हैं। और मैं मिलूँगा फिर से आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm not quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something left.